हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सेल हम जानते हैं कि वो बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उनमें जो सेल पाए जाते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है। हाँ, कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के अंग हैं, उनका डिफरेंस होता है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेल ड्रॉ करते हैं, प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं। तो ये प्लांट सेल हो गया, और प्लांट सेल में जो सबसे बाहर पाया जाता है वो सेल वॉल पाया जाता है। ये है सेल वॉल, यहां पर हम इसको राइट कर देते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। और ये जो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये तो डिफरेंस हो गया स्टार्टिंग में ही कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर हम राइट कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल है उसमें सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और जो प्लांट सेल है उसमें सबसे बाहर सेल वॉल पाया जाता है। एक कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है या नहीं पाया जाता। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, वो ये समझते हैं कि जो एनिमल सेल है उसमें तो सबसे बाहर जो पाया जाता है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो सबसे बाहर सेल वॉल पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं पाया जाता। तो ऐसा नहीं है, जो प्लांट सेल है उनमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पाया जाता है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो यहां पर हम राइट कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन दोनों में हो गया, चाहे प्लांट सेल की बात करें और चाहे एनिमल सेल की बात करें। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, यहां पर हम राइट कर दें ये प्लांट सेल हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये एनिमल सेल ड्रॉ कर रहे हैं। एनिमल सेल, अब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स ऑर्गेनेल्स जो इसके हैं, बहुत सारे जो इसके अंग हैं, बहुत सारे इसके जो पार्ट हैं वो सिमिलर होते हैं। हम इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे ताकि समझना आसान हो जाए। अगर हम ये इस फिगर को पूरा ड्रॉ कर लेंगे, इस फिगर को पूरा ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसमें समझेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वो जो डिफरेंसेस हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में जो सबसे बाहर होता है वो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और सेल वॉल नहीं पाया जाता, सेल वॉल एब्सेंट होता है। और जो एनिमल, जो प्लांट सेल का शेप होता है वो मोस्टली आप उसका एक डेफिनेट शेप इस तरह से आप पाएंगे, लेकिन जो एनिमल सेल है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, या फिर वो सर्कुलर होता है। ये एक तरह से डिफरेंस हो गया, लेकिन हम इसके सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स का डिफरेंस होता है। तो एक तो ये हो गया कि सेल में सेल वॉल यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ नहीं पाया जा रहा है। अब इसके बाद जो आप देखेंगे तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जा रहा है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा या बहुत छोटे छोटे होंगे। तो यहां पर हम छोटे से ड्रॉ कर देते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, और जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल काफी बड़ा होता है। बल्कि जो उसका आप देखेंगे पूरे पार्ट का, तो उसका मोस्टली पार्ट ये वैक्यूल ही सबसे बड़ा दिखता है। तो प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिड्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट वगैरह। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। आप जानते हैं एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसी वजह से वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसलिए उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता और वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं, इसको हमने क्लोरोप्लास्ट यहां राइट कर दिया। अब ये क्लोरोप्लास्ट यहां पर एब्सेंट है,
क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो सब जगह पाए जाएंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल में तो पाया जाएगा और एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है और गल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये तो सब जगह पाए जाएंगे। तो ये मेन डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब इसके बाद अगर हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं, तो लाइसोसोम्स यहां पर हमने लाइसोसोम जो होते हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में रेयर पाए जाते हैं। तो यहां पर हम लाइसोसोम दिखा सकते हैं इसमें, लेकिन प्लांट सेल में रेयर पाए जाते हैं और एनिमल सेल में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये एक तरह का डिफरेंस हो गया प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। इसके अलावा एक चीज जो सीलिया आप देखते हैं तो वो एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सारे एनिमल सेल में नहीं लेकिन एनिमल सेल में वो प्रेजेंट हो सकता है और प्लांट सेल में वो एब्सेंट होता है। सीलिया ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। बाकी जो चीजें आई जैसे क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में बहुत छोटे पाए जाते हैं या एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। लेकिन सीलिया उल्टा हो जाता है कि एनिमल सेल में प्रेजेंट हो सकता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। अब इसके अलावा आप इसमें वैक्यूल्स देखेंगे तो इसमें आप न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियोलस देखेंगे तो ये तो दोनों में पाया जाता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे तो ये भी दोनों में पाया जाता है। गाल्जी अपैरेटस देखेंगे आप, गाल्जी बॉडीज, गाल्जी अपैरेटस, तो ये भी दोनों में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें तो कॉमन हो गई, लेकिन जो डिफरेंस है वो इनका है, प्लास्टिड का डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस है, वैक्यूल का डिफरेंस है, ये सब मेन डिफरेंस है। और इसमें माइक्रोट्यूबुल्स भी पाए जाते हैं, जो एनिमल सेल होते हैं उसमें माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो यही बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको दोनों में जो डिफरेंस होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के वो समझ में आ गया होगा। और ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के बेस पर ही जो प्लांट सेल है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और जो एनिमल सेल है वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है तो ये अपना फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं और ये फूड के लिए अदर्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करे जिसमें फोटोसिंथेसिस हो, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों का डिफरेंस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।